वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं विनय। पिछले वीडियो में हमने देखा कि टेबल क्या होती है, उसका यूज़ क्या होता है, और इस ट्यूटोरियल में आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा टेबल के वो जनरल पार्ट्स जो हम पढ़ चुके हैं, जिनका हमने नाम देखा था पिछले वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कुछ बेसिक कंपोनेंट लाइक सेल, रो, कॉलम, हेडर सेल, बॉडी सेल, कैप्शन, हेडर रो एंड फुटर रो। ये हेडर रो को स्टार्ट करने के लिए टैग है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ क्वेश्चंस के आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि टेबल स्टार्ट कैसे होती है, हाउ टेबल स्टार्ट्स। तो टेबल स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं टेबल टैग, और क्लोज करने के लिए टेबल टैग क्लोज करते हैं इस तरह से जनरली। एंड टेबल में हम बॉर्डर दे देते ताकि हमें उसकी बॉर्डर शो हो। नॉर्मली हम भर देते हैं, लेकिन हम जितनी चाहे उतनी दे सकते हैं। उसके बाद होता है कि टेबल में रो कैसे स्टार्ट होती है। टेबल में रो को स्टार्ट करने के लिए हम टी आर टैग का यूज़ करते हैं, टेबल रो, एंड रो को क्लोज करने के लिए टेबल रो क्लोज इस तरह से। और उस रो के अंदर हम अगर सेल बनाना चाहते हैं कोई, तो सेल बनाने के लिए, टेबल के अंदर सेल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं टी डी, एंड क्लोज करते हैं टी डी को। इस एक टी डी टैग के पेयर का मतलब होता है एक सेल। आप इसे जितना जोड़ते जाएंगे उतने सेल बनते जाएंगे। मतलब यहाँ पर हो गए हैं वन सेल एंड टू सेल एंड थ्री सेल एंड फोर सेल एंड फाइव सेल्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ टी आर और यहाँ क्लोज कर देता हूँ टी आर, तो इसका मतलब है कि हमने एक रो बनाई है टी आर से। जिस तरह हम रो बनाते हैं, हमने एक रो बनाई है जिसके अंदर पांच सेल है। ठीक है, और हम इन सबको लिखते हैं टेबल टैग के अंदर। तो इस तरह एक बेसिक टेबल क्रिएट होती है। इसे हम करते हैं एचटीएमएल कोडिंग में। ये रहा मेरा एडिटर एंड न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ओके, तो शुरू कर रहे हैं एचटीएमएल। यह हम शुरू करते हैं टेबल एंड टेबल क्लोज। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देख रहे हैं कि एक बेसिक टेबल किस तरह बनाई जाती है। ये मैंने टेबल की बॉर्डर दे दी है वन। आगे बढ़ते हैं। टेबल का जैसे मैंने बताया कि हम सबसे पहले टेबल के अंदर, मतलब टेबल शुरू करने के लिए एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में टेबल टैग लगाते हैं, उसे क्लोज करते हैं। उसके बीच में हम टेबल के रोज डिफाइन करते हैं। तो टेबल की रो बनाने के लिए हम लगाते हैं टी आर, एंड इस तरह टी आर क्लोज करते हैं। ठीक है, टी आर मतलब टेबल रो हमने स्टार्ट कर दी है। टेबल रो स्टार्ट करने के बाद हम उसके अंदर बनाते हैं सेल। सेल बनाते हैं टी डी से, जैसे मैंने आपको अभी बताया। जितनी बार आप टी डी लिखेंगे उतनी बार सेल बनता जाएगा। ये हमने दो सेल के लिए टी डी एक लगाया, सेल वन एंड यहाँ पर है सेल टू। इसे सेव करते हैं एक बार हम। इसे मैं नाम दे रहा हूँ माई टेबल डॉट एस टी एम एल। ओके, इसका आउटपुट देखते हैं। माई टेबल ये रहा, ये देखिए हमने अभी अभी एक बेसिक एस टी एम एल टेबल बनाई। राइट, इस तरह आप जितना चाहे उतना आगे बढ़ा सकते हैं आपकी टेबल को। अगर मैं देना चाहूँ मेरा नाम, ये चेंज। ठीक है, एंड उसके बाद में चाहता हूँ और सेल जोड़ना, तो मुझे केवल यहाँ पर इस तरह टीडी बढ़ाना है। और मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्रॉम, और अगले सेल में मैं लिख रहा हूँ यूसी कैडमी सेव। ये देखिए जितनी बार आप टीडी लगाते रहेंगे उतने बार सेल बनता जाएगा। ये आपको जो दिखाई दे रहा है वाइट बॉर्डर, ये वही है जो हम यहाँ पर हमने डिफाइन किया है, बॉर्डर इक्वल टू वन। अगर मैं इसे जीरो कर देता हूँ और सेव करता हूँ, तो ये देखिए इसकी बॉर्डर गायब हो जाएगी।
अगर मैं चाहता हूँ थोड़ी और मोटी बॉर्डर देना तो इस तरह मैं दे सकता हूँ, जितना आप साइज़ डिफाइन करना चाहें उतना साइज आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बेसिक रो, या हम सेम कह सकते हैं बॉडी रो। ठीक है, आप चाहते हैं एक नई रो रेडी करना तो आपको केवल इतना करना है, यहाँ से एक न्यू रो स्टार्ट करना है एंड न्यू रो क्लोज। यहाँ पर आप फिर से सेल स्टार्ट कर देंगे, ओके। ये देखिए, यहाँ पर हमने कोई सेल नहीं लिया, इसलिए इतना इतना जो प्लेस है वो ब्लैंक दिखाई दे रहा है, और जहाँ हमने लिखा है वहाँ इस तरह से। तो टी आर से हम इस तरह नई रो शुरू करते हैं, और टी आर क्लोज करेंगे और नया टी आर शुरू करेंगे तो एक नई रो शुरू हो जाएगी। सेल डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं टी डी। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कैप्शन क्या होता है। अगर मैं यहाँ देना चाहता हूँ एक कैप्शन तो मुझे लगाना होगा यहाँ पर कैप्शन टैग एंड क्लोज कैप्शन। कैप्शन को हम कह सकते हैं एक टाइटल किसी टेबल का, जैसे दिस इज अ डेमो टेबल। ये देखिए कैप्शन यहाँ पर आता है, सेंटर में टेबल के एक हिंट होती है। ठीक है, ये होता है कैप्शन। अगर आप देना चाहते हैं कोई हेडिंग तो किस तरह दे सकते हैं। हेडिंग देने के लिए हम यूज़ करते हैं टी एच टैग। ठीक है, एक रो डिफाइन करते हैं सबसे पहले, ये रही रो हेडिंग, क्योंकि ऊपर होती है इसलिए हम हेडिंग को ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, टेबल हेडिंग, यहाँ पे हमने लिखा था टी डी फॉर टेबल डाटा। हम क्योंकि डिफाइन करना चाहते हैं हेडिंग तो हम यहाँ लिखेंगे टेबल हेडिंग। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नेम, देन टेबल हेडिंग न्यू, एक न्यू सेल स्टार्ट हो रहा है टेबल हेडिंग का। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ लास्ट नेम एंड एक न्यू हेडिंग। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सिटी। ठीक है, अब मैं इसे हटा दूंगा। ये देखिए नेम लास्ट नेम सिटी। टेबल हेडिंग का मतलब है कि जो नॉर्मल हम टेक्स्ट लिखते हैं उससे ये बोल्ड आता है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली बोल्ड लेटर टाइप होते हैं, यहाँ पर बोल्ड प्रिंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह बेसिक टेबल क्रिएट होती है। ग्रीन आई सिंह कंट्री जगह यहाँ पर, और मैं इंफॉर्मेशन में लिख रहा हूँ इंडिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जेम्स मार्टिन, उप्स, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए, ठीक है, इस तरह हम बेसिक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल के हमने आपको कुछ और पार्ट्स बताए थे, उनमें से एक था हेडर रो और एक था फुटर रो। हेडर रो और फुटर रो क्या होता है ये हम देखते हैं। हेडर रो और फुटर रो को आप ऊपर डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर टेबल कैप्शन के नीचे। तो टेबल को हमने तीन भागों में डिवाइड कर दिया है, हेडर रो, फुटर रो और बॉडी रो। बॉडी रो क्या होता है, बॉडी रो आप जो देख रहे हैं जैसे बॉडी रो है, और हेडर रो फुटर रो हम डिवाइड डिफाइन कर रहे हैं। तो टेबल हेड, इस टैग के जरिए हम हेडर क्रिएट करते हैं, टेबल हेड फॉर हेडर। यहाँ पर हम निकालते हैं एक रो, मतलब डिफाइन करते हैं एक रो, रो के अंदर टेबल का डाटा, दिस इज हेडर ऑफ दिस टेबल। ओके, एंड सेम होता है टेबल फुटर भी। डिफरेंस केवल इतना होता है कि टेबल फुटर जो होता है टेबल के सबसे बॉटम रो होती है, और टेबल हेडर जो होता है टेबल के सबसे टॉप रो होती है, और बॉडी रो जो होती है, बॉडी रो होती है जो सेंटर में कंटेंट होता है आपके टेबल का, वो। तो
टेबल फूटर के लिए हम लिखते हैं टी फूट एंड टी फूट क्लोज। सेम प्रोसेस टेबल रो डिफाइन करेंगे, टेबल रो क्लोज, टेबल रो के बीच में हम लिखेंगे टेबल डाटा एंड दिस इज फूटर ऑफ दिस टेबल। क्योंकि हमने हेडर और फूटर डिफाइन किए हैं तो हम हमारे एचटीएमएल कोड को यही बता देंगे कि जो नीचे जो कंटेंट लिखा है ये है टेबल बॉडी, ठीक है, ताकि उसे इजी हो जाए समझने में कि टेबल बॉडी है ये एंड क्रॉस टेबल बॉडी। तो हमने हमारी रोज को तीन भागों में डिवाइड कर दिया है, ये है पूरा हेडर रो, ये है पूरा फूटर रो और ये है टेबल बॉडी रो। हेडर रो एक ही होती है, फूटर रो एक ही होती है और टेबल बॉडी रो आप जितनी चाहे उतनी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने फूटर को लिखा था यहाँ ऊपर टेबल बॉडी के भी ऊपर, लेकिन जैसा मैंने बताया था कि फूटर हमेशा नीचे आता है। अगर आपने एमएस ऑफिस में देखा हो तो आपने फूटर डिफाइन किया और हेडर डिफाइन किया हो तो आप जानते होंगे कि फूटर हमेशा नीचे आता है और हेडर हमेशा पेज के टॉप पर आता है। तो दिस इज हेडर, दिस इज फूटर और ये रहा आपका बाकी बॉडी कंटेंट आपकी टेबल का, ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था सेल, तो ये रहा सेल एक ब्लॉक, उसके बाद रो, रो आप जानते हैं सेल को हॉरिजॉन्टली जमाना रो होता है, कॉलम सेल्स को वर्टिकली जमाना खड़ी पंक्तियों में जमाना कॉलम होता है। हेडर सेल टी एच, ये रहा नेम लास्ट नेम कंट्री। बॉडी सेल, बॉडी सेल ये रहा मेरा नाम लिखा है जेम्स मार्टिन लिखा है, ये सब हेडर रो, दिस इज हेडर रो, फूटर रो, दिस इज फूटर रो एंड कैप्शन, कैप्शन ये रहा दिस इज डेमो टेबल। तो ये थी बेसिक टेबल एचटीएमएल में। हम देखेंगे इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन अगले वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिस एंड मीट मी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।